And welcome to Physics Series guys. So we are dealing with our work energy series. तो इस सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसमें हम लोग दो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है कि द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, और जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि द फॉर्मुलेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम और द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी जब सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ जाएंगे तब हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा. सो हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कभी डिस्कस नहीं किया, बिकॉज आई थॉट कि आप 9th 10th में ये सारी चीज़ें पढ़े हुए हो, बट फिर भी आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए ये बेस हल्का सा क्लियर होना ज़रूरी है. सो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले निगेटिव वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे कि वॉट इज़ निगेटिव वर्क डन. एंड वी नो, आई नो दैट कि बहुत सारे लोग को पता होगा कि निगेटिव वर्क डन होता क्या है एंड वॉट इज द कंडीशन फॉर निगेटिव वर्क डन. सो एज वी नो दैट कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये मल्टीप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट में. सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, इट मीन्स वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा इसमें ये थीटा बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है कि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है. सो निगेटिव वर्क डन कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू -1 हो जाएगा. सो वेन एवर कॉस थीटा इज निगेटिव वहाँ पर आपका वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, और ये तभी पॉसिबल है जब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी. इट मीन्स आपका फोर्स राइट हैंड साइड पे हो और आपका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे हो, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो. सो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ कि लेट्स कंसिडर हमारे पास एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा ऑफ मास m. अब ये ब्लॉक क्या हो रहा है, ये ब्लॉक बहुत भारी है, लेट्स कंसिडर बहुत ज़्यादा भारी है, और ये नीचे की तरफ क्या होगा, स्लाइड करते हुए आ रहे हैं. यहाँ पे एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ढकेल रहा है. मीन्स ही इज ट्राइंग कि वो उस ब्लॉक को रोक सके या ऊपर की तरफ ले जा सके, बट जैसा मैंने बताया कि ब्लॉक बहुत ज़्यादा भारी है, मीन्स इसका मास बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट ये क्या होगा, कंटिन्यूसली स्लाइड होगा. सो यहाँ पे फील सी कि यहाँ पे जो पर्सन है वो फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, बट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो देर इज एंगल ऑफ 180 डिग्री. सो इस केस में आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री फॉर्म करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पे वर्क डन निगेटिव होता है. सो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जानना. नाउ हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज. सो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं. प्लीज़ आप जाइए उन वीडियोस को देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले उनको ज़रूर देख लीजिएगा. सो यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं एग्जांपल, ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉक है ऑफ मास एम. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ इस ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और मैं इसे हाइट h तक लिफ्ट कर रहा हूँ. कहाँ तक, एक हाइट एच तक लिफ्ट कर रहा हूँ, और इस हाइट को अगर ग्राउंड से ले तो ज़्यादा बेटर है. ग्राउंड से हाइट एच तक मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूँ. सो यहाँ पे इफ यू सी, वर्क डन दो तरीके से हो रहा है या दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं. सबसे पहला तो ये फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर, और दूसरा जब इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो नीचे ग्रेविटी भी अप्लाई कर रही है फोर्स, तो ग्रेविटी भी वर्क डन कर रही है. बट दोनों वर्क डन जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो गए. या आप बोल सकते हो अगर इसका वर्क डन फोर्स जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अगर आप देखोगे फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ब्लॉक भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन्स फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. और ग्रेविटी क्या कर रहा है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, बट यहाँ पे ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है. तो यहाँ पे वर्क डन तो सेम होगा क्योंकि फोर्स जो फॉर्मूला बनेगा वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड वाइज वर्क तो दोनों सेम करेंगे. बट यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और ग्रेविटी के नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में हो रहा है, इसलिए ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एफ
against G, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय जी, लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन देखने मिल रहा है कि वर्क डन बाय एफ अगेंस्ट जी इज इक्वल, यहाँ पे जी ग्रेविटी है, ओके, इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय जी। सो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे पोटेंशियल एनर्जी वाले, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट एक्चुअली आया कहाँ से है। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो ओरिजिन है वो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में तब स्टोर होती है जब किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होता है। मीन्स वी कैन राइट कि स्टोर और गेन what we can write stored potential energy in a system is equals to work done against conservative forces, जितने भी conservative forces होंगे जो भी होंगे उनके against जो work done होगा वही क्या हो जाता है potential energy में, sorry उस system में stored potential energy हो जा रही है। Now इन दिस केस ऑल्सो जब आप इस ब्लॉक को हाइट एच पे लेके जा रहे हो तो वी नो दैट कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। सो यहाँ पे हम लोग ने एक रिलेशन निकाला कि वर्क डन बाय फोर्स अगेंस्ट जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय जी और ग्रेविटी। सो यहाँ पे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड वी नो दैट ग्रेविटी इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो इस रिलेशन से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बहुत सिंपल हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं कि स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम is also equals to negative work done by conservative forces। Now मैं conservative forces यहाँ पे लिख रहा हूँ मगर मैंने यहाँ पे gravity लिखी है, तो we know that gravity is also conservative force। So यहाँ पे मैं just common किसी भी example के लिए spring आ जाएगा, spring system आ जाएगा, तो वहाँ पे conservative force gravity नहीं होगी, वहाँ पे spring force हो जाएगा। So यहाँ पे in general what we have say कि stored potential energy is in a system is negative work done by कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग यहाँ पे स्टोर्ड बोल रहे हैं, स्टोर्ड मतलब उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है एक्स्ट्रा, मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है, बट दैट इज नॉट द केस ऑलवेज। हमेशा हर केस में हर क्वेश्चन में किसी भी सिस्टम में से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी ब्लॉक को, या एक बॉल है, एक ग्राउंड है मेरा, एट हाइट h पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉल है मास m का, मैं इसे रिलीज कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। एट हाइट h पे उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, बट वी नो दैट कि जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम, व्हाट वी कैन राइट कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी of a system or in a system is negative of work done by conservative forces। तो हम लोगों ने last में एक relation find out किया, and this relation is very important। Actually मैं इस चीज़ को direct भी लिखा सकता था, बट आप लोग को पता रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ जब हम लोग फिजिक्स में लिखते हैं तो उसकी ओरिजिन स्टार्ट पॉइंट कहाँ से है, क्यों हम लोग वो सारी चीज़ें लिख रहे हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट का क्लियरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना बहुत सारे एच सी वर्मा वगैरह की बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको अगर ये बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे सो आई बेट यू कि आप उसके क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए मैं स्टार्ट से किया और यहाँ तक आया। सो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी हम लोग को रिलेशन क्या मिला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल्स टू द नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो अभी हम लोग ने एक रिलेशन फाइंड आउट किया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, वी कैन राइट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हमेशा चेंज हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल दिस इज यू और निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम जो भी वर्क डन होता है नेट फोर्स वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मेरा सबसे पहला वीडियो इसके ऊपर है, आप लोग प्लीज़ उसे जाके देखिएगा। सो वी कैन राइट हियर
कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, के एफ माइनस के आई. ठीक है, नाउ बहुत लिटिल बिट मैथमेटिक्स है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है हम लोग को. के एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू माइनस के एफ प्लस के आई. वॉट वी कैन राइट, यहाँ पे इसको फाइनल वाले वैल्यूज को एक साथ लेकर आ जाते हैं, इनिशियल वाले वैल्यू को एक साथ लेकर आ जाते हैं. वॉट वील हैव नाउ हियर सी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज कॉल्ड टोटल एनर्जी, बट दिस वैल्यूज फॉर फाइनल, जो फाइनल सिचुएशन होगा हमारे सिस्टम का. और ये किसके लिए है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर इनिशियल सिचुएशन. सो यहाँ पे जब हम लोग ने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया, सो वहाँ पे हम लोग को एक रिलेशन क्या निकल के आया कि उस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा फाइनल सिचुएशन में और जो टोटल एनर्जी होगा इनिशियल सिचुएशन में, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है. एंड दैट इज वॉट वी कॉल, दैट इज वाई वी कॉल दिस फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, जहाँ पर टोटल एनर्जी लॉस नहीं होती है. और ये जो स्टेटमेंट अभी हम लोग को मिला है ना, नॉट स्टेटमेंट, ये जो हम लोग को रिलेशन मिला है, ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन है कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी यही स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या एक्सप्लेन करता है कि इफ देर इज एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, वहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं होने चाहिए, इन दैट केस ओनली द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट. यानी टोटल एनर्जी का जो, सॉरी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट होगा. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है, यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, सो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के हल्का सा इसे डिस्प्लेस करता हूँ, सो डिस्प्लेस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे लेट्स कंसीडर इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट किया. सो ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी और इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आएगी. सो जो टोटल एनर्जी होगा इस सिस्टम का इस केस में और इस केस में, या इसके बाद ये थोड़ा सा और एक्सटेंड करेगा, ईच एंड एवरी पॉइंट हमेशा उसका जो टोटल एनर्जी होने वाला है वो हमेशा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है. बट यहाँ पे कैसा केस कि इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. ठीक है, तो एक और केस ले सकते हैं कि वो बॉल वाला, बॉल को हम लोग ने ड्रॉप किया किसी हाइट एच से, इसका मास है एम, हाइट एच से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं. तो यहाँ पे इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है मगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बट जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होते जाएगी और डिक्रीज होते जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जाएगी. सो ईच एंड एवरी टाइम इस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. दैट इज वॉट स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो हम लोग लिख सकते हैं स्पेसिफिकली इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज. प्लीज हाँ, इस बात को आप ध्यान रखना कि इस स्टेटमेंट का यूज आप तब कर सकते हो जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वहां पे प्रेजेंट नहीं है. इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स सेम. ठीक है, दिस इज वॉट स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट है. बट स्पेसिफिकली कब, इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज.